पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कार्तिकेय संस्था द्वारा 12 दिवसीय नृत्य व नाट्य निःशुल्क शिविर कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज में चल रहा है, जिसमें आज भी बच्चों को नृत्य व नाटक की विभिन्न कलाएं सिखाई गईं। इस बाबा जब हमने नृत्य सीख रहे बच्चों से बात की तब उन्होंने बताया डांसिंग एंड नाटक वगैरह सिंगिंग ये सब चल रहा है। मैंने डांसिंग का अभी सॉन्ग पे सर ने सिखाया हमें और सिंगिंग वगैरह सिखा रहे हैं सर, चल रहा है। मैं डांसर ही बनना चाहती हूँ। तो वही नृत्य व नाटकीय प्रशिक्षण दे रहे विपिन जैन, राघव सागर, नितिन महेश्वरी से बात की गई तब उन्होंने बताया। मेरा नाम राघव सागर है। ये कार्तिकी संस्था की तरफ से निशुल्क प्रशिक्षण हर साल लगाया जाता है, जिसमें मैं यहाँ पर डांस का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और मैंने बच्चों को सिखाया है कि यहाँ पर की डांस कभी गलत नहीं होता, डांस की मुद्राएं गलत होती हैं। तो कभी भी जो बच्चे डांस यहाँ से, तो सभी लोग प्रॉपर डांस करते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ से भी डांस करते हैं, बोले तो एक्सप्रेशन हो गया, हाथ की मुद्राएं जो होती हैं, ही इज अ वेरी गुड डांसर। तो डांसिंग के लिए जो होता है, सबसे पहले हमें एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजों पर बहुत ध्यान देना। कितने बच्चे कम से कम आपसे? मेरे ग्रुप में लगभग 200 बच्चे हैं, जिनको मैं खुद ही मैं सिखा रहा हूँ 200 बच्चे, जिसमें हम लोगों ने पंजाबी सॉन्ग, गणेश वंदना, घूमर घूमर, कुछ राजस्थानी एंड कल्चरल सॉन्ग हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। हम लोग बच्चों को क्लासिकल टच यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि संस्कृति हमारी क्लासिकल रही है स्टार्टिंग से, और हम लोग बच्चों को क्लासिकल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर बच्चे डांसिंग में आगे बढ़ रहे हैं तो वो डांसिंग की कला को सीखें, अगर वो सिंगिंग में आगे जा रहे हैं तो वो सिंगिंग के गुणों को जाने। हम लोग यहाँ पर एक बच्चों का छोटा सा नाटक करा रहे हैं। जैसे कि हमेशा होता आया है कि बच्चे को हमेशा ये लगता है कि उसके माँ बाप उसे कहीं ना कहीं उस तरीके से काम नहीं करने देते जैसा वो चाहता है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। ये चला आ रहा है, परंतु क्या इसका कोई हल है? किस प्रकार से हम बच्चों को अपने मोटिवेट करें, इसी को लेकर के ये नाटक तैयार किया गया है। ये दो शैली में विशेषता किया गया, फिजिकल थिएटर शैली और टैबलो, और इनके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है कि बच्चे ही ये आगे बढ़कर बड़े देश के नागरिक बनेंगे, काम करेंगे, देश की उन्नति और परिवार की उन्नति में सहायक। बस ये अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों की भावनाओं को समझें, अपने बच्चों को समझें, जिस विषय में उनकी रुचि है उस विषय में उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो बच्चे अपना श्रेष्ठतम कर सकेंगे और आगे बन करके अच्छे नागरिक बनेंगे, परिवार की मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे। मेरा नाम निशांत है, ये डांस का शिविर लगा था, मैं डांस सिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 सॉन्ग्स की मिक्सिंग हो चुकी है और 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 31 तारीख तक हम ये कम्प्लीट कर देंगे, और उसके बाद 2 तारीख को टिमिट में और 4 तारीख को जिगरबंद पे इन बच्चों की परफॉर्मेंस होगी। बच्चों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इस लाइन में जाना चाहता है वो आगे बढ़े और अपने टैलेंट को ना रोके, आगे बढ़े। शिविर में लगभग 250 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और इस शिविर का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाना। शिविर में पंकज दर्पण, मंजू गुप्ता, रंजना, डॉक्टर भरत भूषण, हर्षिता ठाकुर, स्वदेश, LD, नीलम शर्मा, विशिष्ट पंडित, डॉक्टर MP बादल, अलका राज, बालेश्वर आदि का सहयोग रहा। अलका राज, ये 21 मई से और 31 मई का चलेगा, 12 दिन का ये 12 दिवसीय शिविर है और करीब 250 के करीब इसमें बच्चा है और इसमें डांस की एक्टिविटीज चल रही हैं। 2 तारीख को टिमिट में एंड 4 तारीख को जिगर मंच पर आयोजित होना है और बच्चों में बड़ा आत्मविश्वास है, सब बच्चे बड़े मन से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और प्रैक्टिस भी बड़े मन से कर रहे हैं। और हमने बच्चों को बताया भी कि जो भी कार्य कर रहे हैं आप मन से करें, चाहे वो डांस हो या पढ़ाई हो, इससे अगर डांस कर रहे हैं आप एक्टिविटीज़ में हैं तो आप मन लगाकर डांस करें और एकाग्रता जो है वही सफलता की कुंजी है। मैं समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि समाज के लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। मैं मानती हूँ कि पढ़ाई से हमारा भविष्य बनता है, ज़रूरी है, बट जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, प्लेइंग है, एनी गेम्स, कोई भी गेम्स, तो इसमें भी हमारा अच्छा भविष्य है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास होना चाहिए, जो बच्चों में आजकल नहीं हो रहा। बच्चे किताबी कीड़ा बन रहे हैं, किताबी कीड़ा ना बनकर बच्चे अपना मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करें, क्योंकि हमारे देखते हैं बच्चे आजकल एक कमरे में और मोबाइल में सीमित रहते हैं, तो
इसके लिए जरूरी है कि बच्चे बाहर निकलें, घरों से मैदान में आएं, डांसिंग में जाएं, सिंगिंग में जाएं, गेम्स खेलें, ताकि बच्चा चारों तरफ हमारे समाज को